दोस्तों, जैसे कि थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि इंस्टाग्राम की रील्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रील्स को इंस्टाग्राम ऐप के अंदर लोकली कैसे सेव करना है या फिर अपने फ़ोन के अंदर गैलरी में कैसे सेव करना है, सो दैट कि आप इसको चाहे व्हाट्सएप का स्टेटस लगाना चाहते हैं या फिर और भी कोई रिक्वायरमेंट है आपकी उस हिसाब से। तो देखिए, इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंस्टाग्राम के अंदर जितनी भी रील्स आपके देखते हैं उनमें ऐसे म्यूज़िक होते हैं कि कभी कभार आपको ज़रूरत पड़ती होगी कि मुझे भी रील क्रिएट करनी है उस म्यूज़िक के साथ। तब होता यह है कि आपको वो म्यूज़िक मिलता नहीं है, तो ऐसे में उस म्यूज़िक की एक लाइब्रेरी आप सेव कैसे करें सो दैट कि नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी रील क्रिएट करें तो उस म्यूज़िक को आसानी से सर्च कर पाएँ। तो पहले तो ये जानेंगे कि इंस्टाग्राम ऐप के अंदर किसी रील को कैसे सेव करना है। तो मान के चलिए मैं ये रील जो है वो प्ले कर रहा हूँ और ऐसे में मुझे ये रील जो है वो लोकल इंस्टाग्राम ऐप के अंदर सेव करनी है। तो यहाँ पर जो तीन डॉट बने हुए हैं नीचे, यहाँ पर इसको आपको टैप करना है और यहाँ पर आपको सेव का बटन दिख जाएगा। सेव जैसे ही करेंगे तो अब इस रील को मान के चलिए आपको देखना है कि कहाँ पर ये सेव हुई। आपको बैक जाना है, अपने प्रोफाइल फ़ोटो पर क्लिक करना है, ऊपर ये तीन लाइनें बनी हुई हैं इन पे आपको टैप करना है और जो नीचे ऑप्शन खुले हैं उनमें एक सेव्ड ऑप्शन आपको दिख जाएगा और यहाँ पे ऑल पोस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर ये रील जो है वो यहाँ पर सेव हो गई हैं। इसी तरह से जितनी भी रील आपने सेव की होंगी वो यहाँ पर आपको लिस्ट जो है वो दिख जाएगी। अब चलते हैं और बताता हूँ कि सेम रील को आपको लोकली कैसे सेव करना है। अब यहाँ पर लोकल अगर आपको फ़ोन की गैलरी में सेव करना है तो तरीका एक ही है, इसका लिंक कॉपी करना है। सबसे पहले तो लिंक ढूंढने के लिए आपको तीन लाइनों पे नहीं, जबकि ये तीन लाइनों से ऊपर शेयर का आइकन बना हुआ है एरोसा, इस पर आपको टैप कर देना है। नीचे ऑप्शन मिल रहे हैं ऐड टू स्टोरी, यहाँ से आप स्टोरी में ऐड कर सकते हैं और कॉपी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। लिंक आपका कॉपी हो गया है, यही लिंक आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते थे जहाँ से आपने ये रील जो है वो सेव गए। तो यहाँ पर जितनी भी लिस्ट है आपकी तो सेव में जैसे यहाँ गए तो यहाँ पर यही लिंक जो है वो शेयर के आइकन पर क्लिक करना है, कॉपी लिंक यहाँ पर भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है और यहाँ पर लिखना है इंस्टाग्राम रील डाउनलोडर। कोई एक ऐसी स्पेसिफ़िक वेबसाइट मैं नहीं बता रहा हूँ कि वही यही काम करती है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि ये काम करती हैं। तो कुछ के सर्वर काम करते हैं, कुछ के नहीं करते हैं। तो यहाँ से डाउनलोड इंस्टाग्राम वीडियो फ़ोटो IGTV ये वाले यूज़ करके देखते हैं, fastdl.app। तो यहाँ पर जो लिंक आपने कॉपी किया है यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करिए और आपका लिंक जो है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। देन आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा। और उसके बाद देखिए रील का प्रीव्यू आपको दिख जा रहा है और नीचे ऑप्शन आ रहा है download.mp4। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और इसके बाद ये जो वीडियो है ये मेरा यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। इसी तरीके से अगर इसी रील का आप ऑडियो डाउनलोड करना चाहते हैं तो कई वेबसाइट होती हैं जो ये फ़ीचर एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इंस्टाग्राम रील ऑडियो डाउनलोडर। तो आई होप कि यहाँ पर ऐसी वेबसाइट ज़रूर होनी चाहिए। सो यहाँ पर मैंने सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक कर दिया है। उसी तरह से मैंने वीडियो का URL जो है वो पेस्ट कर दिया है। तो ये क्या करता है कि उस वीडियो को MP3 या MP4 में कन्वर्ट इसको करना चाहिए और जो ऑडियो है इसने सीधा जो है वो MP4 में मुझे डाउनलोड करके दे दिया है। तो इस तरीके से जो है वो आप रील की ऑडियो को भी सेव कर सकते हैं। अब एक और चीज़, जब भी आप रील्स जो है वो देखते हैं तो कई बार होता ये है कि कोई ऐसा म्यूज़िक होता है जो आपको अच्छा लगता है, कोई ऐसी वॉइस जो आपको यूज़ करनी है नेक्स्ट टाइम जब आप रील यूज़ कर बनाएंगे अपनी। तो ऐसे में मान के चलिए मुझे इस रील में जो म्यूज़िक चल रहा है वो मुझे अच्छा लग रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मैं रील क्रिएट करूँ ऐसे पहाड़ों में जाऊँ तो मुझे यही म्यूज़िक चाहिए, लेकिन उस टाइम क्या होगा कि ये म्यूज़िक नहीं मिलेगा मुझे। तो मैं क्या करूँगा कि जैसे यहाँ पर म्यूज़िक का नेम लिखा हुआ है नीचे लकी अली राम्या, तो मैंने यहाँ पर टैप किया। टैप करने के बाद ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ पे एक शेयर का आइकन है, देन एक सेव का आइकन है जो अभी ये ब्लैक हो गया है,
जैसे देखिए अभी ब्लैक नहीं था, मैंने टैप किया ब्लैक हो गया, तो इसका मतलब ये है, ब्लैक होने का मतलब ये है कि आपके ये सेव्ड वाले ऑप्शन में चला गया है। तो सेव्ड जितनी भी ऑडियो होंगी आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने प्रोफाइल फ़ोटो पर क्लिक किया, ऊपर वही तीन डॉट लाइन पर क्लिक किया, सेव्ड में मैं गया और यहाँ पर ऑडियो जो हैं वो जितनी भी ऑडियो आपने सेव की होंगी, जैसे अभी फ़र्स्ट टाइम मैंने ये सेव की ना तुम जानो ना हम, तो ये जो है वो यहाँ पर मुझे टॉप में दिख रही हैं। इसी तरीके से जितनी भी ऑडियो आपने यहाँ पर सेव की होंगी वो आपको यहाँ पर सारी दिख जाएंगी। नेक्स्ट टाइम जब भी आप रील अपलोड करेंगे, मान के चलिए मैं रील अपलोड कर रहा हूँ, तो ये मैंने कैमरा ऑन किया, अब ऊपर जो है वो ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है सुजेस्टेड ऑडियो, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। तो सुजेस्ट पे दिखाने की बजाय आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव्ड का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आपको टैप करना है और वही लिस्ट आपको यहाँ पर सारी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो भी म्यूज़िक आपको यूज़ करना है उस तो उसी म्यूज़िक पे आपको टैप कर देना है और वो म्यूज़िक जो है वो आपकी रील्स के अंदर यूज़ होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।